चाहूं कि अगर वो जिंदा आप पकड़ते उनको तो ये आपके लिए बल्कि मुल्क के लिए फायदेमंद होता। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 35 फीट की दीवार कूद जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा नहीं चलता, इस जेल में इतने बड़े बड़े नक्सलाइट्स हैं, वो नक्सलाइट्स उस जेल में हैं जो हथियारों की फैक्ट्री चलाते थे, अबू सालम इस जेल में रह चुका है और ये तमाम चीजें होती हैं। अरे यादव जो हमारा सिपाही मारा गया तो आपकी गलती से मारा गया, आपकी कोताही से मारा गया, सीसीटीवी कैमरा, सेंट्रल प्रिजन है ये, कोई हमारा घर का या आपके घर का दीवान खाना नहीं है, कोई कोई कूद के चले जाएगा और उसके हाथ में घड़ी कहां से आती? आपका वीडियो दिखा रहा है कि वो जिंदा खड़े हैं, उस वीडियो में कहीं पर भी हथियार नजर नहीं आ रहा है, वीडियो देख लीजिए शाहनवाज साहब, कहीं पर भी हथियार नजर नहीं आ रहा है। आप उनको जिंदा पकड़ सकते थे, वो वायरलेस सेट पर कह रहा है कि हम इनका क्या करें, आप बाद में जब वो मर जाते हैं तो उसकी लाश के ऊपर गोली चलाते हैं, ये आपका ह्यूमन राइट्स है, ये आपका ह्यूमन राइट्स है। जो जेल से भाग